हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनी स्मार्ट सर्विसेज। एंड इस बार हम लाए हैं कि मेरे पास एक ये टीवी आया था, इंटेक्स का स्मार्ट टीवी है और इसके अंदर रीस्टार्टिंग का इशू था। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, लोगो आके इसका बूट एनिमेशन आया, उसके बाद टीवी स्टैंड बाय हो जा रहा था या नो डिस्प्ले हो जा रहा था। तो इसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर किया, सॉफ्टवेयर के लिए आपको मैं दिखाता हूँ हमारे कंप्यूटर पर चल के। ये देखिए हमारे कंप्यूटर पर ये फाइल का नाम है ctvupgrade.bin, ठीक है। और मैंने पेन ड्राइव को इजेक्ट किया, ये फाइल हमारे पेन ड्राइव में डाल के अब ये पेन ड्राइव निकाल के टीवी के पीछे लगाएंगे हम, ठीक है। ये लगाने के बाद अभी मैं टीवी को स्टैंड सप्लाई दूंगा। सप्लाई दब देने से पहले इसका पावर की हमें प्रेस करना है। इसके अंदर जो आप बोर्ड लगा हुआ है वो है, आप पिक्चर देख रहे हो ऊपर, CV338HA42, 8 GB इंटरनल एंड 1 GB रैम का बोर्ड है। और इसको मैंने पावर की दबाया और सप्लाई दिया और आप ये देखेंगे कि ये अपग्रेडिंग सॉफ्टवेयर डू नॉट टर्न ऑफ, ठीक है। ये फाइल आपको USB स्लॉट 1 या 2 में लगाना है, पावर की दबाना है और सप्लाई देना है, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर अपग्रेडिंग में चला जाएगा। ये इसके लिए होता है कि जब भी हम कोई टीवी के अंदर, स्मार्ट टीवी के अंदर इंटरनेट कनेक्ट करके इंटरनेट चलाते हैं या गेम्स चलाते हैं, हमारे जो टीवी के जो रैम रहता है 512 किसी टीवी में, 1 GB रैम किसी में, 2 GB रैम रहता है, आजकल ज़्यादातर 1 GB रैम वाले टीवी चल रहे हैं। तो जब भी इसमें इंटरनेट चलाते हैं या कुछ इंटरनेट वाले चीज़ें करते हैं, जैसे सर्फिंग हो गया या कोई एप्लीकेशन डाल दिया उसमें हैवी एप्लीकेशन, इसके लिए टीवी सेट लोड नहीं उठा पाता है या वो रीस्टार्ट पे चला जाता है, तो इसके लिए ये प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। अगर आपने कोई भी टीवी इंटरनेट से टीवी कनेक्ट किया तो ये चीज़ होनी है। तो इसमें तो हमने सॉल्व कर दिया इसको, कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अपग्रेडिंग प्रोसेस में जा रहा है, मीन सॉफ्टवेयर हो रहा है इसको, और ये तकरीबन 2 मिनट का समय लेता है। और नीचे देख रहे हैं लाइट ब्लिंक हो रही है, मीन सॉफ्टवेयर चल रहा है। और सामने डिस्प्ले पे भी आ गया है कि ये सॉफ्टवेयर अपग्रेडिंग हो रहा है। ये इसके साथ ये रिमोट है, ये रिमोट वर्किंग करता है, इंटेक्स का ओरिजिनल रिमोट है, ठीक है। आपको मैं यही रिमोट सेम टू सेम चला के बताऊंगा इस टीवी के साथ में, क्योंकि ये जो फाइल है ओरिजिनल इंटेक्स की फाइल है, इसमें लोगो भी इंटेक्स आएगा, बूट एनिमेशन भी इंटेक्स आएगा, रिमोट भी सेम इंटेक्स का ही चलेगा। दैट मीन्स हम CV338HA42 के अंदर ये रिमोट और ये ओरिजिनल फाइल है, ठीक है। देखिए लोगो इंटेक्स ऑटोमेटिकली आ गया। इसके बाद बूट एनिमेशन देखें, सॉफ्टवेयर होने के बाद अपने आप टीवी सेट चालू होता है, 100% सॉफ्टवेयर होते ही ये टीवी अपने आप चालू हुआ। अनकट वीडियो है, आपको पूरा का पूरा दिखा रहे हैं। देखिए इंटेक्स स्मार्ट टीवी, ठीक है, अभी भी नीचे ब्लिंकिंग हो रहा है, अभी भी प्रोसेस लेने में तकरीबन 1 मिनट तो ले गई। देखिए ब्लिंकिंग हो रहा है और ये रिमोट काम करेगा, देखते हैं अभी। फ्रेंड्स, जब तक ये हो तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड इस वीडियो को आपका प्यार दीजिए, इसको लाइक कीजिए एंड इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये एक पूरे के पूरे स्टेप्स आपको अनकट हम बता रहे हैं, ताकि अगर आप सॉफ्टवेयर करें तो इसमें कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि गड़बड़ी होगी तो प्रॉब्लम आएगा आपके मदरबोर्ड में, ये EMMC या JTAG पे भी जा सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप अनकट वीडियो आपके लिए लाए हैं कि आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आए और आपसे कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। ये स्क्रीन आ चुकी है, वेलकम मोड पे आ गया है, उसके बाद हमें ओके दबा के नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। अभी लैंग्वेज, इसमें ओनली वन ही लैंग्वेज है, इंग्लिश, उसको मैंने ओके किया, नेक्स्ट किया। उसके बाद होम या टीवी, तो मैंने टीवी मोड पे रखा। अगर होम मोड पे रखेंगे तो जब भी टीवी चालू होगा तो होम मोड पे चालू होगा, ठीक है। वायरलेस सेटिंग हम बाद में करते रहेंगे। और मैंने टीवी पे सिलेक्ट करके टीवी ओके नेक्स्ट कर दिया, ये टीवी मेरा ओके परफेक्टली चालू हो गया, स्टार्ट ले लिया, रास्टर आ चुका है, ठीक है। मैंने अभी होम मोड दबाता हूँ, ये देखिए होम मोड यहाँ पर आ गया।
ओके फ्रेंड्स, ये अभी ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो चुका है और ये परफेक्टली ऑन हो गया है। ये है इंटेक्स का एलईडी है, एलईडी 3201 ये मॉडल नंबर है उसका। एंड होप आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कोई कमेंट्स हो तो पीछे नीचे कीजिएगा कमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, बाय। डू इट। We'll be right back.